नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से इन दिनों काफी ज्यादा एनसीबी एक्टिव नजर आ रही है, इसे दोस्तों पूरे बॉलीवुड पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लग गया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से इसी केस में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आई हैं, तो ऐसे में दोस्तों मतलब साफ है कि एनसीबी की नजरें अभी भी रिया चक्रवर्ती पर गड़ी हुई हैं। ऐसा ही दोस्तों एक और मामला सामने आया है, जहां पर हमने देखा है कि काफी सारे पुलिस वाले अपना मेडल इस वजह से वापस कर चुके हैं क्योंकि काफी सारे लोगों ने एनसीबी ने जो गिरफ्तारी की थी उसमें दोस्तों काफी सारे ड्रग्स वाले मुजरिम को छोड़ दिया गया है, और इसी वजह से पुलिस वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इन मुजरिमों को छोड़ना नहीं चाहिए था। मतलब साफ है, आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को भी ठीक इसी तरह से छोड़ दिया गया था और इनके ऊपर भी ड्रग्स का इल्जाम लगा था और इनको जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन जब इनको दोस्तों गिरफ्तारी से जमानत मिल गई है, तब बहुत सारे पुलिस वाले गुस्सा हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब फाइनली आप सभी को एक बार फिर से देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है कि रिया चक्रवर्ती को जेल में जाना पड़ सकता है। जी हाँ, पूरी खबर हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की काफी करीबी थी और उनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ इसके पीछे रिया चक्रवर्ती का ही हाथ। इसकी सीबीआई ने जांच की लेकिन रिया चक्रवर्ती इस केस में बच गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में फंसी, और ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि उनके भाई सौविक चक्रवर्ती भी बहुत बुरी तरह से इस केस में फंसे थे और दोनों को दोस्तों एनसीबी ने जेल में उठाकर डाल दिया था। हाल ही में उनको दोस्तों बहुत जल्द जमानत मिल गई, लेकिन अब जब एनसीबी एक बार फिर से सेकंड राउंड की जांच शुरू कर चुकी है, तो आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल को अभी हाल ही में गिरफ्तार करने की बातें सामने आई है और कहा जा रहा है कि इनसे आज 6 घंटे पूछताछ हुई है। अब ऐसे में हो सकता है कि अर्जुन रामपाल के बाद अगला नंबर जो है वो रिया चक्रवर्ती का हो और रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से बुला करके एनसीबी पूछताछ कर सकती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि एनसीबी ने अपने काफ़ी सारे ऐसे गैजेट्स इन लोगों से जब्त किए थे जो कि दोस्तों ड्रग्स केस में पहले पकड़े गए थे, फिर वो चाहे दीपिका पादुकोण और रिया चक्रवर्ती हो या फिर और भी कोई बड़ा एक्टर हो, इन सभी के दोस्तों तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एनसीबी ने जब्त कर लिया था और इनको जांच के लिए भेज दिया था। अब जब ये सारे गैजेट्स जांच के बाद आने लग गए हैं, तो धीरे धीरे करके उन सभी लोगों को बुलाया जा रहा है जिनके गैजेट्स अब एनसीबी के पास आ चुके हैं जाँच होकर के। और इससे दोस्तों जो इनकी पुरानी व्हाट्सएप चैट जो इन्होंने पहले ही डिलीट कर दिया था वो भी सामने आ चुकी है, और साथ ही साथ इन्होंने अपने फोन में और क्या क्या चीजें किया है वो सारी चीजें एनसीबी के हत्थे लग गई हैं। अब आने वाले दिनों में एनसीबी एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को बहुत जल्द बुला सकती है, और अगर एनसीबी रिया चक्रवर्ती को बुलाती है तो इनको एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बल्कि इनके भाई सौविक चक्रवर्ती की भी परेशानी बढ़ सकती है, और हो सकता है कि इनको भी जो अभी हाल ही में जेल से बाहर आए हैं एक बार फिर से जेल में जाना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से पुलिस वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ड्रग्स केस में जिस जिसको जमानत मिली है उनको एक बार फिर से गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि ये जमानत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से इन तमाम लोगों को जेल में जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एनसीबी इस टाइम पर काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है और वो लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, और इसी वजह से बॉलीवुड के और भी काफी सारे सेलिब्रिटी इस टाइम पर काफी डरे हुए हैं। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।